অবাধ নির্বাচনের জন্য যতবার প্রয়োজন ততবার পুনর্নির্বাচন করা হবে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোটের আগের সন্ধ্যায় এভাবে কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রীরাম তারানিকান্ত। পশ্চিম আসনের ভোটের পর ভোট গ্রহণ নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ উঠছে। কংগ্রেস সম্পূর্ণ লোকসভা এলাকায় পুনরায় ভোট নেবার দাবি জানিয়েছে। সিপিএম দাবি করেছে 874টি বুথে ভোট গ্রহণ পুনরায় করানোর জন্য। এখানেই থেমে থাকেনি কংগ্রেস মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অপসারণের দাবি পর্যন্ত করে রেখেছে। এই অবস্থায় চাপ বাড়ছিল নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওপর। তিনি রবিবার পর্যন্ত বলে গেছেন পশ্চিম আসনের ভোট গ্রহণের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এতদিন শ্রীরাম তারানিকান্তকে যে মেজাজে সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা যেত, নিরীহ নিপাট ভদ্র মানুষ গোছের, সেই জায়গায় সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অনেকটাই ছিলেন কঠোর। তার শারীরিক ভাষার ছবি উঠে এসেছিল যেন মুখে। পরিষ্কার বলেছেন, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যতবার প্রয়োজন ততবার পুনর্ভোট নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, যারা ভোটে বেনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না। অভিযুক্ত পোলিং এজেন্ট, প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্য যে কেউ হন না কেন, নির্বাচনে বেনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সারা জীবন আইনের ফাঁদে কাটাতে হবে। আর শুনে নিন কি বলেছেন শ্রীরাম তারানিকান্ত। टू त्रिपुरा ईस्ट एसटी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1645 1645 पोलिंग स्टेशन्स में वोटिंग होगा। इसके लिए 10 कैंडिडेट्स हैं और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 असेंबली सेगमेंट्स में ये वोटिंग होगा। इसके लिए हमने अच्छी तरह से तैयारी किया है। सारे पोलिंग पार्टीज में भी आउट ऑफ 1645 अभी तक आपके पास आने के 5 मिनट पहले 1640 डिस्पैच हो गया है और 1630 पोलिंग स्टेशन भी 6:20 PM 10 मिनट पहले 1630 पहुंच भी गया है पोलिंग। और हर जगह में वेबकास्टिंग और वेब कैमरा होगा और इसका दायित्व हमने एजेंसी के अलावा वहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उन सबको भी बोला है कि ये वेबकास्टिंग वेब कैमरा रहना चाहिए और उसका जिम्मेदारी भी रहेगा। इसके अलावा हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस में भी सारी जगह में मोर देन 85% में हमने CAPF लगाया है और बाकी 15% में भी हमने TSR में भी अधिक संख्या में फोर्स लगाया है। सारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को बोला गया है कि अपना अपना इलाका में चेक करें और जो भी गड़बड़ दिख रहा है उसको तुरंत एक्शन लें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो सिक्योरिटी पोलिंग बूथ में तैनात है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उनको आने मत देना। और कोई भी विशेषण ऑफ पोल में कहीं पे भी गड़बड़ होने से एक्शन लेना। सारा कैमरा में लागू रहेगा और ये जो भी विशेषण होगा, जो भी पोल प्रोसेस को गड़बड़ करेगा उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। FIR लॉज होता ही रहेगा और उसको लाइफ में बैटल्स में, लीगल बैटल्स में होना ही पड़ेगा, चाहे वो एरिंग ऑफिशियल्स हो या पब्लिक पोलिंग एजेंट्स हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कैंडिडेट हो, जो भी हो, उनको ये भुगतना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ये नहीं समझना चाहिए कि पोलिंग को गड़बड़ करेगा और उसको बच जाएगा। हम फ्री एंड फेयर पोल के लिए कितना भी बार रिपोल करना है करेंगे, कितना भी रिपोल से और फ्री एंड फेयर होगा, कितना भी बार करना है हम रिपोल करेंगे। और ऐसा आदमी को एक तरह से उनको भी आइडिया आ जाएगा और दूसरा है उनका उनका अगर कुछ गड़बड़ किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल दिन रात।